आगे बढ़े। अरे ये प्रभु जी किसी का नाम से राम सिंह प्रभु जी। अभी हम जन्माष्टमी को हम सोच रहे हैं बहुत अच्छे तरह से जन्माष्टमी बना रहे हैं, फूल बंगला बने और स्टॉल लगे हैं और सभी को प्रसाद मिले, इसलिए हमारे भक्त लोग सब भिक्षा भिक्षा गए थे, सब फैक्ट्री फैक्ट्रियों में भिक्षा में गए थे। और हमारे श्री राम सिंह प्रभु जी भी कुछ उन्होंने उन्होंने 5,000 रुपया उन्होंने आशीर्वाद है, कृपा दे, खूब फल दे, फुल रहे और जीवन में खूब सुखी रहे। ठीक है प्रभु, बैठकर कथा सुन। ओम ज्ञान सदस्य ज्ञान जय सदा केला जय सोरुद्रिकम जय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। महाभजनाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवे नमः। हे कृष्ण कर्मा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश सर्वविदकर्तव्यतमस्ते सप्तकाञ्चनगौरवे राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभायनसुते देवी प्रणमामि हरे वृन्दाय कुलसुतेऽपि प्रिया सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण जय कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 बल हरे कामिदा एकासी कामिदा सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद कदम इतलीला और विष्णु पाद अष्टोदर सदस्य श्री श्री माधव भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव इतलीला और विष्णु पाद अष्टोदर सदस्य श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमल में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को जगाने के प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज एक विशेष तिथि है, आज का नाम क्या है? आज एकादशी, इसलिए गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि जो एकादशी तिथि को बताया ये कल्पतरु व्रत है। कल्पतरु मतलब आप जो कुछ मांगे एकादशी व्रत करते हुए आप जो कुछ मांगो एकादशी से वो सारी इच्छाओं को पूरी कर देते, सारे फल प्रदान करते हैं। इसलिए कल हम श्रवण कर रहे थे सब एकादशी का सब अलग अलग नाम, ये 15 दिन में एक बार ये एकादशी आती है, हर एकादशी का अलग अलग नाम। आज जो एकादशी का नाम क्या है? सब अच्छे। आज जो एकादशी इसका नाम काम बता, बोले काम बता मतलब क्या है? बोले सारी कामनाओं को सारी इच्छाओं को जो पूरी करते आज का एकादशी व्रत रख करके आप जो कुछ ये एकादशी से आप मांगोगे सारी इच्छा पूरी कर, इसलिए इसका नाम क्या है? काम दान, मतलब काम को दान करना,
जो महात्मा के फल प्रदान करता है, और संसार की जो इच्छा है, रुपया पैसा स्त्री पुत्र परिवार, इसको तो ये एकादशी आसानी से दे देती, आसानी से दे देती। लेकिन जो जगत में सबसे बड़े जो दुर्लभ वस्तु है वो भगवत प्रेम, भगवान की भक्ति। इसलिए एकादशी व्रत रखकर के विशेष करके भगवान की भक्ति की इच्छा करनी चाहिए। इसलिए आज एकादशी तामदा एकादशी है। इसलिए ये एकादशी व्रत भागवत में और कोई बार व्रत का नाम नहीं आता। इसलिए कुछ कुछ लोगों का भ्रम है, बोले एकादशी तो विधवा कर दी, विधवा जो बूढ़ा बूढ़ी हो गए ना वही कर दी। नहीं, आप भागवत पढ़ करके देखो, श्री अंबर सिंह महाराज अपना पत्नी को साथ में इन्होंने मथुरा में एक अंबर से मिला है, ब्रजमंडल परिक्रमा का आता, वहीं पर रह करके उन्होंने एकादशी व्रत को उन्होंने मथुरा में उन्होंने पालन किया। अब ये एकादशी व्रत की इतने महिमा है, इतने महिमा एकादशी व्रत की, कहते एकादशी का मतलब क्या है, मतलब एकादशी का मतलब क्या, ग्यारस है, एकादशी मतलब ग्यारस है। इसलिए हमारी ग्यारह इंद्रियां हैं, कहते पांच कर्म इंद्रिया और पांच ज्ञान इंद्रिया है, और इसका जो राजा कौन, बलम्बन, इसका राजा कौन है, ये मन। जैसे मन ने कहा चलो गौड़ीय मठ में सत्संग हो रही है, प्रभु की कथा हो रही, चलो गौड़ीय मठ में कथा सुनते क्या है, सारे इंद्रिय क्या क्या सब के सब देख रहा है। अगर ये मन कहता आज जाकर किया मैं एक टीवी पर तो देख रहा सीरियल आ गई है, आज बढ़िया कोई सीरियल आएगी टीवी पर अगर बैठ, फिर आप यहाँ पर आते, आप यहाँ पर आते कोई टीवी पर बैठ, टीवी खोल कर बैठ जाते, दुनिया की घर उधर की बात को देखते। लेकिन मन ने कहा नहीं चलो हम गौरी मठ में भगवान की सत्संग सुनते, सार इंद्रिया कहीं पर आते कथा में बैठ गए। इसलिए भगवान कबीर देव अपना माँ को कहते बोले माँ ये जो मन है ना यही मुक्ति के कारण और यही बंधन के कारण, माँ अगर ये मन को विषय में लगा दो ये बंधन का धर्म बनता है, जब इसी मन को ठाकुर जी की चरण में लगा तो मुक्ति की कारण बन जाए। अब लोग ताला खोलते हो है ना, अब देखना एक ही चाबी है, आप अगर उल्टा घुमाओगे ना ताला बंद हो जाए, अगर वो चाबी को अगर सीधा घुमाओगे तो क्या होगा, ताला खुल जाए। वो एक ही चाबी वो दो काम करता है, उसी तरह मन एक ही है और एक ही मन ही ये दो काम करता है, एक तो मुक्ति प्रदान करती और एक संसार से जीव को मुक्ति प्रदान करती और बंधन का कारण बनती है। इसलिए भगवान बोले माँ ये मन को क्या करो, भगवान की चरण में लगा दो माँ। फिर भैया कहती बेटा तू तो बोल दिया ये मन को ठाकुर जी की चरण में लगा, लेकिन ये मन बड़ा चंचल है, कैसे मेरा नजर कर दी तो मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा भाई को आप रोक सकते हो मन को नहीं रोक सकते हो, पर ये मन को हम रोकेंगे कैसे। भगवान ने बोले हाँ इसको केवल एक ही उपाय है ये मन को कंट्रोल करने का, बोले क्या उपाय, बोले संत करने के संग लागे में तेरी कच्ची बने माँ, केवल सत्संग में बैठो, केवल सत्संग करो, भगवान की कथा सुना, ये मन किसी में ही शांति प्राप्त करे, इसी से ये मन को शांति मिलेगी माँ। इसलिए हमारे ग्यारह इंद्रियां हैं, इसलिए अंबर सिंह महाराज क्या करते थे, एकादश मतलब ग्यारह ही हमारी ग्यारह इंद्रियां हैं, ये ग्यारह इंद्रियां को क्या करो भगवान की सेवा करो। इसलिए अंबर सिंह महाराज क्या करते थे एकादश इंद्रियों को, बोले सबई मन कृष्ण पदार विंद, ये मन को कहाँ लगाए करते थे, बोले भगवान की चरण में, बोले चरण में क्यों लगाते थे, बोले भगवान की चरण में 19 चिन्ह है, कितना चिन्ह है 19, पहले आपने सुना था ना 19 चिन्ह का क्या क्या, एक एक का क्या बल है, चक्र को चिंता करोगे तो शत्रु नाश हो जाएगा, कपल को याद करोगे तो तुम्हारे जीवन में खुशबू निकलेगी, झंडा को याद करोगे तो दुनिया में जयकार होगी,
उसका क्या था, धान जॉब है, अगर उसको चिंता करोगे तो माँ लक्ष्मी को घर में माँ लक्ष्मी आएगी है। स्वस्तिक तक याद करोगे तो तुम्हारी कल्याण ही कल्याण जीवन में होगी, और उसमें एक अंकुश है, उसमें एक अंकुश है। अंकुश इस तरह क्या करते हैं, जैसे हाथी, हाथी को बस में करना कितनी आसानी नहीं, कितना बड़ा हाथी है, लेकिन जो महाबल कैसे कंट्रोल करता है, अंकुश इतना बड़ा होता है, क्या बोलता हूँ अंकुश है, उसको सर पर लगा करके वो खेसता है ना, एकदम हाथी चिघड़ने से लग जाती है, तो इतने छोटी सी अंकुश से इतने बड़े बदवाला हाथी को वो कंट्रोल कर लेता है। उसी तरह हमारा जो मैंने इसको वशीभूत करना बड़ा कठिन है, लेकिन भगवान की चरण के जो अंकुश हुए उसको याद कर मन थोड़ा शांत हो जाए, ये अशांत मन शांत हो जाए है। इसलिए वो मन को क्या करते थे, बोले सब मन कृष्ण पदार्थ मिलते हो, बोले पहचान सी, बोले पानी को द्वारा क्या करते थे, बोले हरी गुणगान, भगवान की कीर्तन, भगवान की कीर्तन करते थे, बोले करो, बोले हाथों से, बोले भगवान की मंदिर को साफ करते थे, ठाकुर जी की मंदिर को साफ सुथरा करते थे। देखो भगवत मंदिर साफ सुथरा करना ना बहुत बड़ा पुण्य है। ये स्कंद पुराण में आता है, कोई एक राजा था, वो राजा रोज जा करके भगवान हरि मंदिर को साफ करता, रोज किसी व्यक्ति ने देखा, बोले तू राजा होकर के है, तेरे तो नौकरी चाकर कब नहीं, तो ये मंदिर क्यों रोज पोछा लगाते हो। उसने कहा मेरे को पूर्व जन्म की बात याद है। बोले क्या याद है, बोले पूर्व जन्म में मैं एक बहुत बड़ा बदमाश था, एक दिन एक वेश्या को लेकर गलत काम करने के लिए गया, जंगल में गया तो मेरे को पता नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण का विष्णु का मंदिर, हमने को मंदिर गंदा पड़ा हुआ था, मैंने गंदा तो साफ किया, साफ करते हुए गलत काम किया, लेकिन ठाकुर जी इतने दयालु कहते गुना अवगुना प्रभु देखो ना, भगवान किसी अवगुण को प्रति नजर नहीं देते, हमारे गुण का प्रति नजर देते। ठाकुर जी मैंने जो केवल मंदिर को साफ सुथरा किया, ठाकुर जी उसी में ही संतुष्ट होकर के और उसी जीवन में मेरे को राजा बना। अगर गलत काम करने के लिए साफ करके अगर राजा बन सकता, अगर भक्ति भाव से करे तो, पर ठाकुर जी हमें क्या नहीं दे सकते हैं, इसलिए मैं रोज आकर के ये हरि मंदिर को, भगवान के मंदिर को मैं साफ करता हूँ। भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपना हाथों से ठाकुर का मंदिर साफ करते थे, जो मंदिर की साफ करते हैं ना, ऊपर से तो मंदिर को साफ करता हूँ लेकिन अंदर मंदिर साफ हो जाए, तुम्हारी हृदय साफ हो जाएगी जो मंदिर को साफ करना है। और रोज आकर के ना ये मंदिर की परिक्रमा करनी चाहिए, रोज आकर हैं। देखो यहाँ पर से गिरिराज गोवर्धन है, अगर इसको गिरिराज सर्व अभिष्ट प्रदाता तो सब इच्छा को गिरिराज पूरी करते। देखो आपको सही कथा सुनाता, कल एक भक्त ने हरिनाम लेकर के है, हरिनाम लेकर के उनका बहुत सारे पैसा लेनी और बड़ी इधर उधर बुरे, तब हरिनाम लेकर गया, बोले मेरे पत्नी लेकर के आई, बोले तो हरिनाम को माला दिया, मैंने कहा देखो यहाँ पर गिरिराज गोवर्धन, रोज आना परिक्रमा एक बार करो, ठाकुर के चरणा में चलो और अपना काम भी जाओ। उसने उसी दिन आकर के परिक्रमा लगाया मंदिर की है, फिर चरणा में तो लेकर गया, फिर मेरे को आकर के आकर बोलता है आज, बोले बाबा मैं एक दिन मंदिर में आकर के ठाकुर को परिक्रमा क्या चरणा कर ली, इतने शांति और मेरा बिजनेस बढ़ गया। भगवान की मंदिर परिक्रमा से ठाकुर जी है ना, इनकी परिक्रमा लगाओ तो सारे पाप खत्म हो जाते, सारे पाप की खत्म हो जाती है भगवान की परिक्रमा से है। इसलिए एक दिन मैंने कहा अगर रोज रोज करो तो क्या दिन भर प्रतिदिन भरो तो आप ही आप है। इसलिए इसलिए पर हरी मंदिर बोले श्रुति च कानों से क्या करते थे, बोले भगवान की कथा सुनते थे है? और प्यार से भगवान की मंदिर परिक्रमा करते थे। इसलिए एकादशी का मतलब होता है हमारी ग्यारह इंद्रियां हैं, अगर ग्यारह इंद्रियों को
अगर भगवान की सेवा में ठेका में सीधा दिल लगा के बात बड़ा पार। अब आज का दिन क्या करने चाहिए, जितने हम हरि नाम रोज रोज करते हैं, आज अगर एक माला करोगे ना 100 माला करने का फल है 100 माला। इसलिए आज जितने हो सके थोड़ी सी रोज रोज जितने माला करते हो उससे थोड़ा ज्यादा माला करें, ठीक है ना। चैतन्य महाप्रभु तो आज का एकादश का रात को जो कोई भजन है बोले श्री हरि वास हरि हरि कीर्तन सबसे बड़ी एकादशी आती है ना देखना, उसका नाम पांडव निर्जला, जिसको पांडव लोग पंच पांडव कुंती द्रौपदी के साथ में ये एकादशी को बुरे नहीं हो गए, बुरी नहीं हो गई है। इसलिए एकादशी नंद यशोदा एकादशी कृष्ण का पिता माता करते थे। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु अपना मैया से बोले मां एक चीज मेरे को दोगे, बोले बेटा बता बेटा क्या चाहते, बोले मैया आज एकादशी है अन्न मत खाना, बोले ठीक है बेटा मैं एकादशी व्रत रखूंगी। उनका माँ कौन है, जसोदा स्वयं, माँ जसोदा स्वयं है। इसलिए महाप्रभु जो जगन्नाथ पुरी में थे उनको तो बहुत सारे भक्त है, लेकिन वैष्णव संप्रदाय में कभी भी एकादशी का दिन अन्न भोजन नहीं करते, क्योंकि एकादशी का दिन अन्न में 5 विशेष करके जो महापाप का निवास है, गो हत्या, ब्रह्म हत्या, गुरु हत्या, पिता माता हत्या, और ये सब पाप एकादशी का दिन अन्न में वास करते हैं। इसलिए इसलिए एकादशी का दिन अन्न खाने से सारे पाप लगता है। इसलिए कोई भी वैष्णव एकादशी का दिन अन्न भोजन नहीं करते। अभी महाप्रभु का बहुत सारे फलवार है, बहुत फलवार है। अभी पुरी में है, पुरी में कहते अरे एकादशी के यहाँ तो लड़ता है, एकादशी करने का जरूरत है, लेकिन महाप्रभु के अनुजाई जितने भक्त कोई अन्न ग्रहण नहीं करते। और जगन्नाथ जी तो महाप्रभु बहुत सारे प्रसाद भोग लगता है अन्न। अभी पटना लोगों ने देखा अगर किसी तरह से महाप्रभु को एक बार अन्न खिला दिया ना एकादशी का दिन, फिर देखते सारे भक्त खाना शुरू करते हैं, फिर हमारा बिजनेस बढ़िया चली जाएगी है, बढ़िया चली जाएगी। और महाप्रभु का नियम था, क्या नियम था, बोले प्राप्त मात्र भक्त, अगर महाप्रसाद आपके पास में आ जाए आने का साथ साथ उसको सम्मान। इसलिए महाप्रसाद बोलने से हम लोग प्रसाद सेवा करने से पहले एक मंत्र बोलते हैं, महाप्रसाद गोविंद नाम ब्रह्म निर्वैष्णवे स्वलोक पुण्यतम पतंगराजन विश्वासो न जायते। प्रसाद पाने से पहले हम ये मंत्र बोलते हैं, 4 वस्तु के ऊपर में जिसका पुण्य कम है, जो कम करने वाले व्यक्ति को विश्वास नहीं होगा। फिर 4 चीज क्या क्या है, बोल एक तो भगवान का प्रसाद, साक्षात भगवत स्वरूप के प्रसाद है, इसलिए उसका नाम प्रसाद। मतलब क्या, पूर्ण रूप में जो जीव को पर कृपा करता है, महाप्रसाद गोविंद जो भगवान कृष्ण नाम ब्रह्म है, मतलब भगवान का नाम, और जो वैष्णव है, कहते कम पुण्य वाले व्यक्तियों का उसमें विश्वास नहीं होता है। इसलिए महाप्रभु प्रसाद आने का साथ साथ प्रणाम करते हैं, और प्रसाद मतलब भगवान का आशीर्वाद, महाप्रभु उसको झट ग्रहण करते हैं। उनको पता है पंडितों को ये महाप्रसाद कभी अनादर नहीं करते,
और महाप्रभु भक्तों के साथ में कीर्तन कर रहे थे। उन्होंने ला करके एक पंडा ने महाप्रभु बोले प्रभु ये जगन्नाथ का प्रसाद, वो सोच रहे थे महाप्रभु खा लेंगे, लेकिन उसी दिन एकादशी तब उन्होंने प्रसाद को महाप्रभु प्रणाम किया। केवल खाने से है, केवल खाने से ही सम्मान होता है इसे नहीं, प्रणाम करने से भी सम्मान होता है। प्रणाम किया महाप्रसाद का जितने श्लोक है मैंने उच्चारण करते हुए महाप्रसाद को वंदना की और बीच में रख करके सारा रात भर कीर्तन किया और सवेरे होने पर द्वादश का दीप अपना समय पर व्रत करना चाहिए। समय सूर्य उदय के बाद में और एक समय रहता है साढ़े 9 बजे 10 बजे इसको अंदर में ठाकुर जी को भोग लगा करके वो प्रसाद को लेकर के व्रत करनी चाहिए। महाप्रभु ने दूसरे दिन स्नान किया और उसी प्रसाद से मैंने एकादशी व्रत को खोले, लेकिन भगवान अन्न ग्रहण नहीं किया, स्वयं अन्न ग्रहण नहीं किया, इसलिए एकादशी का अन्न ग्रहण नहीं करनी चाहिए, बड़ा महत्व एकादशी। इसलिए यदि अंबर सिंह महाराज 11 इंद्रियों के द्वारा उन्होंने भगवत सेवा एकादशी व्रत बड़ी निष्ठापूर्वक एकादशी व्रत रखते थे, बड़ी निष्ठापूर्वक रखते थे। अभी ये दुर्वासा ऋषि आप तो सब कथा जानते हो, जैसे दुर्वासा ऋषि आए बोले बहुत अच्छी बात, बोले क्यों नियम है एकादशी का दिन द्वादशी में अगर कोई साधु आ जाए अगर उनको भोजन करा के अगर आप व्रत एकादशी का व्रत पूरा जो मांगोगे एकादशी से एकादशी को ही देगा, अगर सही सही एकादशी व्रत करोगे, क्योंकि एकादशी कामदा एकादशी मोक्षदा एकादशी मुक्ति देने वाले अन्नदा अन्न देती है, इंदिरा मतलब लक्ष्मी की कृपा होती है, पाप मोचनी सारे पाप नष्ट हो जाता है। हर एकादशी का अलग अलग फल है, कोई बड़े बीमारी में पड़े हुए थे किसी तरह से सही नहीं हुआ एकादशी व्रत किया तो उनको बीमारी सही हो गई, किसकी राजा का राज्य चला गया तो एकादशी किया तो राज्य दूर किया उसको। आप पढ़ करके देखना हर एकादशी के अलग अलग व्रत, दूसरे दिन नियम किसी साधु को खिला करके अगर व्रत करोगे पूरा पूरा व्रत का फल मिलेगा है। इसलिए भगवत इच्छा से क्या हो गया, इसलिए दुर्वासा जी आ गए। इसलिए इसलिए हम पिछले बार बताया था ना आप लोग कैसे साधु को सेवा करोगे, आप व्रत खोलने से पहले अपना थाला में कुछ सीधा निकाल देना, सीधा जानते ना चावल बड़ी आटा तो सब थोड़ा नमक थोड़ा हल्दी थोड़ा मसाला थोड़ा घी थोड़ा सब्जी है उसमें कुछ ऐसे करके ना थाला को कुछ सजा देना, सजा करके उसको रख लेना, रख करके अपना व्रत को फिर खोल देना। जैसे मंदिर ही है मंदिर से जब साधुओं को जाएंगे और साधुओं को दे देना, अगर जिसका संभव हो अगर द्वादश का दिन अगर मंदिर में आते हो उसको ले करके आ जाना, उसको ले आने पर उसको मंदिर में ले जाना फिर ठाकुर को सेवा होगा साधु संत की सेवा हो जाएगी। इसलिए उन्होंने बड़े खुश हो गए, बहुत बात किया संत आए बोले जाओ स्नान करके आओ घर में प्रसाद पाना। अभी वो समय निकल रहा था किसका समय व्रत खोलने का समय निकल रहा था, अभी तो वो साधु नहीं आए उसमें ठीक समय रहता है उसका अंदर में ही व्रत खोलनी चाहिए। ब्राह्मण से परामर्श मांगे बोले देखो आप तक निर्जला व्रत रखे थे पानी तक भी आपने नहीं लिया, अपने हाथ बोले अगर पानी तक नहीं लिया आप चरणामृत से थोड़ा पानी लेने पर पानी को थोड़ी सी अगर ले उसको खाना नहीं खोलते व्रत भी खुल जाएगा और खाना भी नहीं होगा संत का अनादर भी नहीं होगा। जब उन्हें थोड़ी सी उन्होंने पानी से व्रत खोले लेकिन दुर्वासा का साधारण काल दृष्टा वो स्नान कर रहे थे यमुना में वही से उनको पता चल गया हाँ ये संतों को अपना घर में निमंत्रण दिया और मेरे को बिना खाए उठा लिए। अंबर सिंह महाराज आए बोले तुम साधु को अनादर तुमने किया बिना खिलाए खा लिए, उन्होंने अपना जटालों से एक बाल को काट कर पटक दिया और वहां से निकला ठहर कर दत्त निकला बोले जाओ ये अंबर इसको नाश कर। लेकिन अम्बरीश भगवान ऐतिहासिक भक्त है, भगवान ये ना शुद्ध भक्त है ये शुद्ध भक्त ऐसे अम्बरीश महाराज पूरा राज्य का राजा साधारण नहीं पूरा पृथ्वी का राज्य तो कर रहे थे लेकिन कोई अभिमान नहीं कर करने संसार का प्रति कोई आसक्ति नहीं, 3 रात प्रभु का भजन करते तो यहाँ प्रश्न आता है अगर ये 3 रात भजन करेंगे राजा है
राज्य को कौन संभालेगा? देखो, अगर हम भगवान की भक्ति अगर सही सही करें, कितने भक्ति की कितनी शक्ति है। जब भगवान कृष्ण ने देखा ये तो 24 घंटा मेरा भजन करता है, फिर भक्ति करता है, हम इसका राज्य को कौन संभालेगा, इसको रक्षा कौन करेगा? भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र को बोलते हैं, सुदर्शन चक्र इनके देश का रखवाली करना और ये राज्य राजा को भी तुम रक्षा करना। इसलिए साक्षात सुदर्शन चक्र राज्य को रक्षा करता है। इसलिए मतलब भगवान की अगर आप भक्ति करोगे ना, अभी भक्ति की शक्ति हमें पता नहीं, भक्ति कितने भक्ति की बात करे। भगवान कहते हैं ना, मेरे तरफ में एक कदम बढ़ाओ मैं तुम्हारी तरफ में 10 कदम बढ़ाऊंगा। लेकिन एक कदम बढ़ाओ तो सही मेरे तरफ में, तभी तो मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा तेरे तरफ में। इतने में चक्र स्वयं सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और सूर्य का तेज है, उसी समय दैत्य को मार डाले और उसने फिर दुर्वासा जी चक्र पूजा किया। ये दुर्वासा जी कौन है बोलो सर? दुर्वासा जी कौन है? ये शंकर जी की अंश से ये हुए हैं, ये शंकर जी की अंश से ये दुर्वासा जी हुए हैं। अभी चक्र उनकी पीछा किया, वो मारे मारे भटके और सबसे पहले ब्रह्मा जी को पिताजी के पास में गए, रक्षा करो रक्षा करो। बोले मैं रक्षा नहीं कर सकता, तो संतों के चरण में अपराध किया है ना, संतों के चरण में अपराध करने से कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते, कभी भी मुंह से उल्टा पुल्टा संतों के प्रति बात हमारी नहीं निकलनी चाहिए। फिर बोले क्या करो क्या करो, फिर उन्हें गए श्री शंकर जी के पास में गए, जिनके प्रकाश भोले बाबा के पास में गए। तो भोले बाबा बोले जल्दी जल्दी भागो यहाँ से, जल्दी भागो, मैं रक्षा नहीं कर सकता, तो मेरे कैलाश खत्म हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्म लोग खत्म हो जाएगा, भागो जल्दी। हाँ, एक परामर्श मैं दे सकता हूँ, जिनका चक्र तो उसको पास में चले जाओ, हो सकता है रक्षा हो गई, तो वहीं पर जाओ। यहाँ शिक्षा देते हैं, अगर हम कब किसी संत को चरण में अपराध करते हैं ना, हमें कोई बचाने वाला नहीं, ब्रह्मा भी नहीं बचाएगा, शंकर भी नहीं बचाएगा, विष्णु को पास में त्राहिमाम करके सीधा चरण लेते हैं। प्रभु रक्षा करो प्रभु रक्षा करो। देखो भगवान क्या कहते हैं, बोले मेरी कृपा लेने के लिए आया ना? बोले हाँ। बोले कृपा तो हृदय से कहते हैं? बोले हाँ। बोले हृदय तो मेरे पास में ही, हृदय तो संत के पास में। बोले साधव हृदय वही अब साधु नाम हृदय, मेरे हृदय साधु के पास में और साधु हृदय मेरे पास में। इसलिए अगर प्यार में कांटा चुप जाए ना, सर में नहीं तो प्यार से निकलेगा। इसलिए तुम जा करके अम्बरीश के पास में माफी मांगना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले नमः अन्नते ना जानन्ति, वो मेरे को छोड़ करके ना और किसी को भी नहीं जानते हैं। जिन लोगों ने मेरे लिए संसार को ठुकरा देते हैं, स्त्री पुत्र परिवार दुनिया को ठुकरा करके एकांत रूप में मेरे शरण में जो आए हैं, मैं कैसे उनको त्याग दे सकता? तुम तो अपना को अभिमान करते हो, बहुत बड़े योगी, बहुत बड़े योगी थे दुर्वासा, बहुत बड़े योगी थे। मैं देख मेरे भक्तों को देख, जब तुमने उसको ऊपर में मारने के लिए राक्षसों को भेजा कृत्या को, वो इधर उधर पर भगा, तुम्हारे लिए भगा था, वो तो सीधा हाथ जोड़ कर खड़े हो गए मारे भरे। हाँ, जिसको राखी साइया मार सके ना कोई, बाल ना पंखा कर सके जो जगह पहले, वो क्या कर रहे थे? वो हाथ जोड़ खड़े हुए थे ना, वो इधर उधर भाग रहे थे। मतलब वो कितने मेरे ऊपर भी कितने विश्वास है, जिसको भगवान रक्षा करे ना कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब तो अपने आप को इतने बड़े साधु समझते हो और हमारे बात भटक रहे हो, ब्रह्म लोग सीख लो वैकुंठ लोग तरस आ गया। भैया अगर माफी मांगना चाहते हैं ना, जाओ अम्बरीश महाराज के पास में जाओ, है तो वो अपना जीवन को बिगाड़ देने लगते, मेरे जितने तपस्या ज्ञान योग को बिगाड़ है। हैं? इतने मैंने इतने तपस्या इतना योग साधन किया, ये कुछ भी बेकार। भक्ति को सामने शिक्षा देते हैं, प्रभु की भक्ति को सामने प्रेम को सामने सब कुछ चले। इसलिए उन्होंने विकार देते हुए फिर उठने आए अम्बरीश महाराज के पास में, उनको चरण में गिरे। जब चरण में गिरे अम्बरीश महाराज उल्टा माफी मांग रहे थे, हम मेरे वजह से आपको इतना कष्ट उठाना पड़ता है, कहाँ कहाँ भटक रहे हो,
लेकिन जब से भटक रही थी ना, उन्होंने कुछ ग्रहण नहीं किया। एक पैर खड़े घर में संत आए, संतों को सेवा नहीं कर पाया, अब वो कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। फिर आके तो बोले, आज मैंने संतों का, मैंने जो संतों का महिमा को मैंने देखा, ये संतों का हृदय कितना बड़ा होता है, भगवान की चरण में जो शरणागति, इसकी कितनी महिमा है। देखो सिखा देते हैं, जो व्यक्ति केवल ठाकुर जी की शरण में चले आए, ठाकुर जी उसकी कितने महिमा है, कितने महिमा, देखो सारा दुनिया में उसकी जयकार हो गया। और उन्होंने ऐसे लीला की, ये कब का बात बताओ, तो सत्य जो कितना साल पहले हुई बताओ, कितने करोड़ साल बीत गए, लेकिन उनका अभी कलयुग में अभी हम उनका नाम, ध्रुव प्रहलाद सत्ययुग में आए, अभी भी उनकी कथा सुन। लेकिन हमारे जो युवा पीढ़ी है ना, क्या सोचते हैं, क्या तो हम तो बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बने, हम बॉलीवुड में, हम हीरो हीरोइन बनेंगे। बोले भैया बॉलीवुड में जो हीरो श्रीदेवी का नाम सुने हो, और बाथरूम में जाकर के टॉवल का अंदर में इतने शराब पी, उसमें राम नाम सकते हो। और 10-20 साल पहले जो हीरो हीरोइन थे, अभी दुनिया उनका कोई पूजा करता है, कोई नाम लेता है, बोला अभी का नाम बताओ, अभी कौन बढ़िया हीरोइन बने, पहले हीरो इसको नहीं पूछते हैं। लेकिन करोड़ों साल पहले हाँ, हनुमान कब आए, सत्यत्यागी में आए, मीरा कब आए, हाँ ये सब कब कब आए, लेकिन अभी भी हम सबके सब उनकी पूजा करते हैं, इनकी नाम लेते हैं। बोले भैया हीरो बनना है ना, भगवान की भक्त बन करके हीरो बन जाओ, एक बार ठाकुर जी की भक्त बन करके हीरो हो जाओ ना, देखना सारा दुनिया तुम्हारी, जब तक दुनिया रहेगी तब तक तुम्हारी, जगत में बहुत स्त्रियां हुई है, लेकिन हम किसी स्त्री को याद करते हैं क्या, लेकिन विराट किया, लेकिन विराट किया, लेकिन क्यों याद करते हैं, क्योंकि कृष्ण प्रेम में दीवानी बने हैं। अगर दीवानी बनना हीरोइन बना ना, कृष्ण का सखी बनकर हीरोइन बन जाए, कृष्ण की सखी बनकर गोपी बनकर हीरोइन बनो, देखना सारा जीवन तुम्हारी जय जयकार सारा दुनिया होगी, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर ये एकादशी व्रत की इतने महिमा, एकादशी व्रत मतलब है जो व्यक्ति एकादशी व्रत रखते हैं, भगवान स्वयं सुदर्शन चक्र उस पर रखता है, जगत में उसको कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, ये चीज को पर हमें जगह विश्वास होनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए आज श्री एकादशी व्रत है, जिन लोगों ने आप सब तो भक्ति करते हैं, आप लोग तो सबके सब व्रत रखते हो, और इसको दृढ़ विश्वास रखो, ठीक है ना, एकादशी के ऊपर दृढ़ विश्वास रखो ना। इसलिए सबके सब एकादशी व्रत रखना, और जो अड़सवीं बड़स है ना, मैं जिसने अड़सवीं बड़स ली है, सब को क्या करना, सबके एकादशी व्रत सबका रखवा, खुद भी रखना और दूसरों को भी एकादशी व्रत रखाना। अपना बच्चों को नियम है 8 साल से लेकर के 80 साल तक एकादशी व्रत को रखनी चाहिए, 8 साल से 80 साल तक रखनी चाहिए। उसको पहले अर्थ था कोई दोष नहीं, उसको बाद में भी अर्थ था कोई दोष नहीं, 80 साल के बाद। लेकिन जो वैष्णव लोग एकादशी रखते हैं ना, कोशिश करते हैं जब तक हमारे प्राण नहीं छूट जाए, हम एकादशी व्रत जरूर रखें। इसलिए आज एकादशी व्रत है, हम लोग सबके सब एकादशी व्रत रखे होंगे, इसलिए भगवान एकादशी को दर्शन करना है। माधव जी की भक्ति जनने जतने काल हो गया, ये एकादशी व्रत किसका तिथि है, कृष्ण का तिथि, भगवान कृष्ण का तिथि है। जैसे 33 करोड़ देवता, जब कृष्ण भक्ति में कहे, सभी का भक्ति अपने आप हो जाता है, सारे देवादेवी अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। कैसे करने चाहिए, चंदन नहीं, चंदन मतलब आदर, एकादशी व्रत का आदर, पर आदर मतलब क्या, आज का दिन थोड़ी सी ज्यादा भक्ति पूजा, रोज रोज जैसे सेवा पूजा करते हो, आज का दिन थोड़ी सी सुंदर फूल की माला ले आओ, ठाकुर के सुंदर घर में ठाकुर जी को सुंदर करके ठाकुर जी को थोड़ी सजा दो, ठीक है ना। थोड़ी सी एकादशी का दिन थोड़ी सी फूल माला ला करके ठाकुर को जरूर पहनाना चाहिए। कल बता रहे थे ना प्रभु, जो फूल का जो सेवा है ना, निष्काम सेवा, जिस घर में आज रसगुल्ला ला, जब पंडित का सब्जी बनता है,
पहले हमारे लोग बजे मिले लोग, लेकिन आप जो फूल लगा था उसमें भी लोग नहीं होता, फूल को तो खा नहीं सकते, इसलिए हमारे गुरु जी की मैडम ने फूल सेवा को सबसे ज्यादा मानते थे, इसलिए इसका नाम है सुमन। सुमन मतलब सु मतलब अच्छा, मन मतलब मन है, इसलिए यहाँ पर भी हमारे जन्माष्टमी क्या थी हमारे यहाँ पर हमारे श्री जीवन जनार्दन प्रभु जी इस बार कोशिश कर रहे हैं, बलराम प्रभु सब दीक्षा में जा रहे हैं और कुछ कुछ कलेक्शन करके ला, इस बार सोच रहे मंदिर को सुंदर से फूलों से सुंदर से सजाया जाए, स्टॉल लगाया जाए, गेट को सजाया जाए और इस बार बढ़िया करके जन्माष्टमी हो और सभी को नंदोत्सव में सभी को प्रसाद मिले, जितने भक्त लोग आएंगे सभी के लिए प्रसाद हो, नंदोत्सव हो और जन्मोत्सव में तभी तो प्रसाद मिलेगा। जैसे रात को 12 बजे क्या होगा, ठाकुर जी का अभिषेक होगी, अभिषेक के बाद में कृष्ण 12 बजे जन्म हुए, अभिषेक होगी उसके बाद में चरणा करके लेना और चरणा करके लेकर के फिर सबके सब प्रसाद है, सबके सब प्रसाद बना और उसी दिन कोशिश करना जो समर्थवान है उसी दिन रात 12 बजे तक व्रत रखते हैं, रात 12 बजे तक एकदम निर्जला व्रत रखते हैं, 5 बजे नहीं चाहिए है, लेकिन जो समर्थवान है, जो समर्थवान नहीं है नहीं हो पाता कोई बात नहीं, जैसे थोड़ा जूस ले लिया कोई देखा फल ले लिया, लेकिन जो समर्थवान है ना कोशिश करना जैसे रात 12 बजे तक हम व्रत को रखें। देखो घर में जब गढ़ाई झगड़ा हो जाता ना पति पत्नी कितना दिन तक एकादशी हो जाता है, हाँ बताओ घर में पति पत्नी में थोड़ा लड़ाई होगी ना, पहले बताए ना दो पति पत्नी थे उनको पता है कि कहा लेकर सगर थर्मल लगी लड़ाई, लड़ाई लग गई तो पत्नी वाले खाना ही नहीं बना, पति वाले खाना ही नहीं खाऊ खाना ही नहीं खाऊ वो मान करके ना उस दिन खाना ही नहीं खाए, हाँ एकादशी लेकिन व्रत उनको बताया नहीं था एकादशी, लेकिन उनको पूरा निर्जला व्रत हो गया, उसका फल हुआ दूसरे दिन वो दोनों राजा रानी बन कर गया, इतने महत्व एकादशी है, इसलिए आप लोग जितना दूर हो सके समर्थ के अनुरूप आप लोग देख लेना ठीक है ना, और उस दिन बढ़िया अच्छे तरह से आप लोग एकादशी का व्रत बनाना, तभी हमारे श्री जनार्दन प्रभु कई बस जन्माष्टमी पकड़े प्रभु जी, इस बार हम मैं भी नहीं जाऊँ पाऊंगा, अगली बार से प्रभु जी बंसीवदन प्रभु अगली बार बंसीवदन प्रभु यहाँ पर जन्माष्टमी पे रहेंगे और उसी समय भी बढ़िया यहाँ पर प्रोग्राम करेंगे कथा करेंगे और जन्माष्टमी पे रहेंगे, उसी को कीर्तन होगी कथा होगी, भगवान की जन्मोत्सव बनेगा ठीक है और बढ़िया अच्छे तरह से मनाए, इस बार भी कोशिश करके अच्छे तरह से मनाए। सर्वप्रथम गुरुदेव जी चरणों में प्रणाम करता हूँ, पूज्य पद लक्ष्मीनंदन प्रभु आप सभी भक्तों के चरणों में मैं गुरुदेव जी प्रणाम। महाराज जी भी बता रहे थे ना फूल की सेवा बड़ी निष्काम सेवा है, अभी देखो और ये कैसा निष्काम सेवा है, ये हमारे अभी 20 मिनट ही महाराज बैठे हैं, हाथ उठाओ आज इन्होंने दोपहर को आकर के प्रभु जी को बोला हमारे कमाल प्रभु जी को कि मैं तो सेवा करना चाहता हूँ, तो उन्होंने उनको फूल की सेवा सौंपी, इन्होंने माला बनाए आरती तक जाके लास्ट में इनकी माला लगी, अभी मुश्किल से 1 घंटा ही हुआ है, अभी कथा खत्म होएंगे 15-20 मिनट बाद, फिर इतनी सुंदर माला इतनी मेहनत अब तुरंत उतर जाएगी, देखो कितना सुंदर रूप में एक भक्त की भावना है, खुद माला तोड़ के लाना मतलब फूल तोड़ के लाना, फूल से माला बनाना, बना के मंदिर तक लेके आना और यहाँ पे ला करके आरती जी को देना, और वो भी कितने समय के लिए, मात्र 1-1.5 घंटे के लिए, ठाकुर जी बस स्वीकार किया, फिर पुजारी ने उसको बड़े जैसे लगता है कि हाँ पुजारी कैसा है, ऐसा लगना चाहिए कि वो फूल भी देखो फूल जन्म लिया इसीलिए ठाकुर जी की तो लिए है, भौरा के लिए तो नहीं है, भौरे के माथे पे तो नहीं लगता, पर वही फूल जब ठाकुर जी के सेवा में आया पूरा जन्म उसका 1 घंटे के अंदर अंदर खत्म,
फूल की सेवाकारी और साथ ही साथ फूल दोनों की बस कितने कम समय के लिए, तो कौन ऐसा व्यक्ति चाहेगा कि मैं सेवा करूं और मेरा 2 मिनट में ही सारा सेवा सब कुछ खत्म हो जाए। परंतु जो चाह सकेगा केवल वही व्यक्ति निष्काम होगा, क्योंकि 1 घंटे के लिए ना, 1 घंटे के लिए हम यहाँ पे फूल बंगला बना रहे हैं। और आज बड़ी उत्साह की बात है, मुझे पर बलराम प्रभु जी हैं हमारे, आप सभी के बहुत प्यारे हैं फिर, तो उनकी ही आइडिया से हम लोग जो फूल की बंगला बनाने जा रहे हैं, तो उनकी सहायता से आज हम कुछ जगह पे गए थे और वे सभी व्यक्ति ने, फिर सभी भक्तों ने हमें बहुत मदद की है। उसमें करीब करीब 2 लाख रुपए फूल बंगले पे लगेगा, परंतु वही 2 दिन के लिए, परंतु चढ़ाना किसको है, ठाकुर जी के लिए। एक उनका उसका द्वितीय में जो भक्त सेवा कर रहे हैं, हमारे बीच में भी प्रभु जी हैं, प्रभु जी जरा खड़े हो जाइए आप, तो इनकी फैक्ट्री में, हाँ जी खड़े हो जाइए, क्या नाम है प्रभु जी आपका, राम सिंह, तो इन्होंने आज बहुत मतलब उनके हृदय से इन्होंने ठाकुर जी के लिए सेवा करे। हम लोग इनके यहाँ पे गए थे तो उन्होंने सेवा करा है बेटे, तो यही है कि आप सभी लोग जगन्नाथ जी के लिए मंदिर में, हमारे जगन्नाथ मंदिर में कितने फूल लगता है आप सोच नहीं सकते। कम से कम हम चाहते हैं कि आप सभी लोग अपने घर में गेंदे की माला की फूल लगाओ, या फिर गुड़हल की लगाओ, या फिर गुलाब की लगाओ, चमेली की, मोगरे की, कोई सा भी हो, और आप मंदिर में ला करके दो, 2 दिन माता जी लोगों को लेकर के हम रोज रोज पहनाया करेंगे और वो इस काम से भगवान तक आपकी जाएगी, ठीक है। दूसरा है हमारी जन्माष्टमी की सेवा के लिए। देखो आप लोग सुने होंगे, एक शरीर में जब आत्मा नहीं रहता उस शरीर को मृत शरीर बोलते हैं, है या नहीं। अब मैं आपको एक बात और बताने जा रहा हूँ, जो आत्मा होते हुए भी वो शरीर मुर्दा है, जानते हो कौन सा शरीर, ऐसा एक शरीर है जिसमें आत्मा भी है, चलता फिरता सब कुछ है, फिर भी वो मुर्दा है। वो है जिस शरीर के अंदर, जिस हृदय के अंदर भक्ति करने की या फिर कोई भी क्रिया करने की उच्छा नहीं है। हमारे रूप गोस्वामी इस चीज को बोलते हैं कि उच्छा, अभी उच्छा है कि गुरुदेव आए हुए हैं, प्रभु जी आए हुए हैं, तो हम मंदिर में आए, आए या नहीं आए, क्या ये भीड़ हम कभी इकट्ठे नहीं कर पाते, हमारी ऐसी औकात ही नहीं है। मैं अभी किसी को अगर बोलता कि वैसे हम 7 दिन के लिए प्रोग्राम करने जा, कोई नहीं आता, परंतु क्या उत्साह है, उत्साह वो है कि जो हमारे हृदय में है वो आ रहे हैं, तो इसीलिए हम उत्साह को लेकर के आए हैं, यानी हम सब सजीव हैं। अब कुछ लोगों के पास गया भी है परंतु वे लोग नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्योंकि तो उनके पास उत्साह नहीं है। अजगर है तो अजगर, परंतु होते हुए भी 6-6 महीना तक एक जगह पे पड़ा रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, तभी तो उसको मतलब क्या क्या बोलते हैं कि वो बिल्कुल वार्कलेस पशु है। तो इसी प्रकार से अगर हम ये उच्छा गुरुदेव की मनोभावना के अनुरूप उसको सेवा में लगा दें, तो फिर उच्छा की परिपूर्णता प्रदर्शन हो जाएगी। बात समझ नहीं आई होगी, अगर हम हमारे गुरुदेव जो चाहते हैं उसको अगर हम यथार्थ में पालन कर पाएंगे, तो वो सेवा गुरुदेव बताते हैं कि सेवा करो। ठाकुर जी की कितने सुंदर तरीके से प्रभु जी ने उस दिन आपको विग्रह सेवा की, मैं तो यहीं पे बैठा था, मेरा तो हृदय गदगद हो रहा था। वास्तव में हमने मतलब ऐसा हमने मठों में भी ऐसी बात नहीं सुना है, बड़ोद में यहाँ पे आकर के मुझे प्रभु जी ने ऐसी बात सुनाई, हम लोग को सुनाए, जबकि मैं प्रभु जी के पास भी जाता था पूरी में कथा सुनता था, परंतु ऐसी बात ही नहीं मिली, क्योंकि वो भावना अब आप लोगों के लिए वो वितरित कर रहे हैं, तो विग्रह की सेवा के लिए बता रहे हैं। देखो कुछ ऐसी सेवा है, भगवान की जितने भी सेवा है सब कुछ वहां पे भी हो सकता है, सब कुछ वहां पे हो सकता है, यहाँ पे भी हो रहा है, जो चीज यहाँ पे हो रहा है, जो सेवा, मान लो भगवान को प्रसाद भोग लगाना, तुलसी की परिक्रमा करना, ठाकुर जी को जल चढ़ाना, ठाकुर जी को दूध चढ़ाना, सब कुछ यहीं पे है, तो वो उस नित्य बोलो वृंदावन धाम में भी हो सकता है, परंतु एक सेवा नहीं हो सकता है। और जब हम वहां पे जाएंगे ना, हम सारी सेवा करेंगे, परंतु जब हमें लगेगा कि बस एक ही सेवा नहीं हो पाए हमसे,
तो हमारे हृदय उस समय क्या होएगा, फटेगा कि हमने उस सेवा को क्यों नहीं किया। कौन सा वो सेवा है? भगवत नाम, भगवत कथा की प्रचार प्रसार पालन, ये चीज, ये सेवा, ये जो भगवान की जो प्रचार की जो सेवा, ये वहां पे नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रचार उन लोगों के लिए है जो भगवत विमुख है, और जो भगवान के धाम है वो भगवत भगवत उपासना को अनुकूलता प्रदान करता है। इसीलिए वहां पे सभी मुक्त आत्मा है, सभी स्वाभाविक रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं। इसीलिए वहां पे किसी को प्रचार नहीं करना पड़ेगा कि भाई तुम माला जाप करो या तुम ठाकुर जी की सेवा पूजा करो। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये सेवा केवल यहाँ पे हो सकता है। और वो सेवा देखो कैसे है, भगवान अवसर प्रदान करते हैं कि प्रचार की सेवा के लिए तिथियां बना रखे हैं। तो वो तिथियां जो गुरु जी के मुखारविंद से मैंने कई बार श्लोक मैंने रटा नहीं, सुन सुन के याद हुआ। गुरु जी हमेशा कहते थे, हर भागवत में कहते हैं, न यत्र यज्ञ मखा महोत्सवाहा, न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पकाहा सुरेश लोक किन्न वैसव्यता। कहते हैं कि जहाँ पे भगवान की कथा नहीं है, वैकुंठ की वार्ता नहीं है, जहाँ पे भगवान की कोई तिथि उत्सव नहीं है, तो वो तिथि आज हमारे पास आ रहे हैं। कौन सा तिथि? जन्माष्टमी, एकादशी। इसीलिए आप सभी भक्तों के माध्यम से ही हम पूरे बड़ौद में, और पूरे बड़ौद में देखो महाराज जी उड़ीसा से हैं, महाराज जी उड़ीसा की उस प्रेम की बाढ़ को लेकर के सारे जगत में वो प्लावित कर रहे हैं, सबको बांट रहे हैं। और हम है जो हमारी कुछ जान पहचान की, मैंने आपको बोला था आप कम से कम अपने घर में 5 व्यक्तियों को भक्त बनाओ। अगर 5 नहीं भाई दूसरे को क्यों जाए, जब हमारे घर में ही है। अगर 5 नहीं हो पाता है तो 2 को बना दो। अगर 2 बना दी, यहाँ पे 100 है, 200 व्यक्ति हो गए, 200 व्यक्ति आगे चल के 600 व्यक्ति को करेंगे, और क्या पता 600 व्यक्ति 6 लाखों को कर दे, क्या पता, क्योंकि ये भगवान करा रहे हैं, अब थोड़ी ना कर रहे। तो वो सेवा की जो अभिलाषा हमारे वो आगे चल के भगवान उसको करेंगे, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। हमने कार्ड छापा, हमने गुरुदेव को बस ये बात बताए थे कल। अब इस समय ऐसा स्थिति है जो हम कलेक्शन में जा रहे, ये सुमित प्रभु जी है, इनके यहाँ पे मोहल्ले में कल हम गए थे, इनके पापा जी आए हुए होंगे शायद, इनके पापा जी ने घर घर में लेकर के हमको गए, और अभी कम पड़ जाए, अब एक एक व्यक्ति कितने योगदान करेंगे। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है, कार्ड हमारे पास है, कार्ड ले जाइए, सब लोगों को भगवान की भक्ति में जोड़े, और जन्माष्टमी के लिए उनको विशेष बुलावा दिए। ये माता जी जो आज स्कूल की सेवा की है, इनकी यहाँ पे हम कल गए थे, उन्होंने कल हमें बताया कि प्रभु जी हम आपको यहाँ पे सारे लोग नास्तिक है, परंतु हम आपको वादा करते हैं आप लोग आओ, हम एकादशी के प्रोग्राम रखवाएंगे। देखो 2 दिन प्रचार में कितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही है, तो इसीलिए हमारे कुछ छावर्धन हो रहा है। आप लोग भी इस चीज को और भी त्वरान्वित करो अपने मन में, उत्साह रखो कि हम ये सेवा करेंगे। ठीक है, जय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण, प्रभु जी ने आपको उत्साह दिया, व्यक्त कर दिया भगवान की भक्ति का प्रचार, अपना औरों से बड़े से भी भगवान की भक्ति करा। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, ध्यान रखे। एक समय एक पिताजी, पहले भी सुनाया, एक समय एक पिताजी इसको बच्चे को लेकर मेला देखने के लिए गए, और मेला में बड़े टहल चल बच्चा हुआ, वो बच्चा पिताजी का अंगुल पकड़ करके जो होता है ना दोला में घूमते हैं, पिताजी के हाथ से बच्चा का हाथ अलग हो गया। थोड़ी देर बाद में देखा पिताजी अलग, बेटा भी अलग, और बच्चा तो छोटा सा अभी बड़ी जोर जोर से रो रहे थे, मेरे पिताजी कहाँ, मेरे पिताजी कहाँ, मेरे पिताजी कहाँ। अभी इसको देख करके बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए,
मैंने भैया किसका छोटा बच्चा खो गया, कोई टफी दे रहा था, कोई खिलौना दे रहा था, कोई मिठाई दे रहा था, उसको पा करके तो थोड़ी समय के लिए रोना बंद होता था, लेकिन फिर रोना शुरू। एक कोई बुद्धिमान व्यक्ति था, बोले भैया इसको भले ही क्यों कुछ दो, जब तक उसको पिता की को साथ में नहीं मिल जाए उसका रोना बंद नहीं हो, इसका पिताजी को ढूंढो। अभी उसको पिताजी को ढूंढने लगे, उसका पिताजी कहाँ? अभी ढूंढते ढूंढते देखा एक व्यक्ति भी, वो भी पागल होकर के वो ढूंढ रहा था, मेरा छोटा बच्चा कहीं खो गया, छोटा बच्चा कहीं खो गया। बोले बच्चा खो गया? बोले हाँ। अरे वहां पर देखा एक बच्चा रो रहा है। बोले कहाँ पर? बोले वहां पर। बोले ले चलो उसको लेकर गए। इधर बेटा? बोले हाँ ये मेरे बेटा। उसको बोले तेरे पिताजी? बोले हाँ इधर पिताजी। बस जब पिताजी के हाथ बेटे को मिल गया, बस बेटा खुश हो गया। अब इसको टफी लजेंस से और उसको मिठाई देने का जरूरत नहीं। देखो ये चीज को समझो, उसको पर जो मिठाई दे रहा था वो भी दया कर रहा था, जो खिलौना दे रहा था वो भी दया कर रहा था, उसको जो टफी दे रहा था वो भी दया कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ी दया, सबसे बड़ी कृपा उसको पर किसने किया है? बोलो किसने किया है? जिसने उसको पिता से मिला है, वो सबसे बड़े दया है। क्या उसी तरह संसार में भी कोई हमें कपड़ा दे देता है वो भी दया, कोई खिलाना दे दिया वो भी दया, कोई तुम्हें थोड़ी सी मिठाई दे दिया, हाँ तो भी दया, सब दया है। लेकिन ये सबसे बड़ी दया क्या है? सबसे बड़ी दया है हम जो भगवान की संतान है, हम कहते हैं ना तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो तुम्हें वो बंधु सखा तुम्हें वो तुम्हें वो विद्या भगवान हमारे पिता माता भगवान ही हैं, उनको साथ में हमें जो मिला देता है ये सबसे बड़ी दया है। इससे बड़ी दया दुनिया में कुछ नहीं। इसलिए प्रभु यही बात समझा देते, अगर आप अपना पड़ोसी पड़ोसी को प्रचार करके मंदिर में लाओगे, उनको भगवान की भक्ति में जुड़ोगे ना, ये सबसे बड़ी दया होगी। इससे बड़ी दया दुनिया में कुछ नहीं। इसलिए प्रभुपाद कहते, ध्यान देकर सुनो वो कितने बड़ी बात कहते प्रभुपाद। कोई करोड़ों करोड़ों हॉस्पिटल खोलते, आप ध्यान देकर सुनो, करोड़ों करोड़ों एक नहीं करोड़ों करोड़ों हॉस्पिटल भी खोलते, करोड़ों करोड़ों स्कूल कॉलेज कोई खोलते, करोड़ों करोड़ों पद नक्षत्र कोई खोलते, उसमें जो उन्नत में मिलेगी अगर एक व्यक्ति को अगर प्रभु का भजन में लगा दी, उससे अनंत करोड़ों गुण में ज्यादा मदद मिले। ये प्रभुपाद कितने बड़ी बात कहते। बोले क्यों? बोले जगत का जितने कोई कपड़ा दे दिया तो फट जाएगी, खाना दे दिया तो भूख लग जाएगी, दवा दे दिया फिर बिता जाए, लेकिन एक बार अगर प्रभु का भजन करके अपना घर में चला गया ना, भगवान को पास में चला गया है, तो दो बार संसार में आना नहीं पड़ेगा। इसलिए ये दया सबसे बड़ी दया, ठीक है ना? समझ गए? इसलिए तुम्हारे जितने अड़ोस पड़ोस को भक्ति को बोलो, चलो मंदिर में चलो, कथा सुनोगे, भगवान की नाम करो, भगवान की भक्ति करो, अब इसी में ही शांति सुख, इसी में ही शांति सुख। और दुनिया में कहीं शांति सुख नहीं है। जैसे देखो ये चीज समझो, यहाँ कितना समय से बैठे हो? एक घंटा से बैठो। हम संसार में सब दुखी, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई बीवी से, कोई पति से, कोई सास से, कोई ननद से, कोई पैसा से, कोई पड़ोसी से, कोई मन से, कोई तन से, दुखी दुखी है कि नहीं? दुखी दुखी है। लेकिन जब से यहाँ से बैठे हो कोई दुख नहीं याद आ रही है? तो कोई दुख याद है तुम्हारी? नहीं। लेकिन कभी ये गेट से बाहर तो निकलो, ये गेट से बाहर निकलो, घर में जाने की ये दिक्कत है, घर में ये दिक्कत है, घर में ये दिक्कत है, घर में ये परेशानी, गेट से बाहर निकलते। लेकिन जब तक ये कथा में बैठे हो ना, ये भगवान की गोद में बैठे हो, ये बोलो तो वृंदावन में बैठे हो, कथा में नहीं, ये भगवान का गोद, ये दत्त की गोद, माँ की गोद, ठीक है ना? इसलिए सबको कोशिश करना, चलो भैया की गोद में बैठना, चलो ठीक है, बोलो वृंदावन भैया की जय। आज अरे कृष्ण देखो, हमारे एक महाराज जी थे,
उनका नाम था भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी। बड़े चैतन्य गौरी मठ बनाए, प्रभुपाद की बहुत विशेष सेवा की। उन्होंने उसी समय जमीन बहुत सस्ती थी, तो एक उन्होंने बड़ा जमीन लिया चैतन्य गौड़ी मठ बनाने के लिए मायापुर में नवद्वीप। लेने के बाद रामनारायण बाबू भोजपुरी वाले कलकत्ता के मठ के बड़ा सेवक थे, उन्होंने बोले महाराज जी ये जमीन तो सस्ता है और उनका जो मिट्टी है ईंट डालने के लिए बड़ा अनुकूल है, तो इसमें ईंट डालते हैं और बहुत अच्छी तरह बेचा जाएगा और उसमें बड़ा जो गड्ढा बन जाएगा गंगा में बाढ़ आती है फिर भर जाएगा, तो हम जितना ईंट बनाएं और जितना बेचे आप केवल मैं पूरा पूरा देख लूंगा, केवल पैसा को रखने के लिए आप एक व्यक्ति को दे देना, हम इतना पैसा कमाए हो जाएगा जो कि मंदिर नाट मंदिर भक्त निवास गेस्ट हाउस आदि बनाने में प्राचीर आदि बनाने में सुविधा हो जाएगा। महाराज जी क्या जवाब दे उनको पता है? ध्यान दे के सुनो। महाराज जी बोले देखो तुम्हारा ये जो प्रस्ताव और पद्धति है ये गरीब को धनी बनाने वाला ये जो पद्धति है यद्यपि बड़ा सुंदर है लेकिन फिर भी हमारे लिए स्वागत योग्य नहीं, मैं उसको ग्रहण करने पा रहा। समझ में आया? क्या बोले? तुम्हारे जो तरीका पद्धति, कौन सा पद्धति? गरीब को धनी बनाने, ईंट डालो बड़ा मंदिर बन जाएगा बहुत पैसा कमाई हो जाएगी, नाट मंदिर बन जाएगा बाउंड्री वॉल बन जाएगा, सब कुछ अच्छा है लेकिन हमारे ये प्रस्ताव आपकी गरीब को धनी बनाने वाला जो पद्धति का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि महाप्रभु का जो मिशन है गरीब को धनी बनाने वाला नहीं परम धनी को भिक्षु बनाने वाला। धनी को भिक्षु मतलब क्या समझते हो? कहां बड़े बड़े रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी अर्थमंत्री थे प्रधानमंत्री थे उनको वहां से हटा करके ला करके क्या बनाए? दूर्णम त्यक्त्वा दूर्णम शेष मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छवत् भूत्वा दीन गणेश को करुणया कौपीन कंथाश्रितौ। ऐसा कि केवल कौपीन कंथा को पहन करके, कंथा मतलब पकड़ते जो रात में कहा सोने के लिए, और कौपीन के पास इतना ही संपत्ति है और उपमंडलु बनाया किसको? महाप्रभु के मिशन प्रधानमंत्री और अर्थ मंत्री को, तो इसलिए हमारा मिशन धनी को गरीब बनाने के लिए, गरीब नहीं भिक्षु बनाने के लिए, ना कि गरीब को धनी बनाने के लिए हमारा प्रोसेस है। हमारा प्रोसेस है किनको? धनी को भिक्षु की बनाने, गरीब नहीं भिक्षु। वो तो महाप्रभु के भक्त सबसे बड़ा था संपत्तिवान है, कृष्ण प्रेम के धन के द्वारा जो धनी है वास्तव तो वही वास्तव धनी है। दुनिया की धनदारी दौलतदारी कितना दिन के लिए है? वो तो ढाई दिन का संसार है। इसलिए महाप्रभु महाराज जी ने बोले हमको भिक्षु बनाना है। भिक्षु किस लिए बनेगा? धन के लिए। कैसा धन? प्रेम धन के लिए। उनके पास जाएगा आप 100 रुपया दे दो भगवान की सेवा करो, उनके पास जाएगा तुम 50 रुपया दे दो भगवान की सेवा करो। बिजनेस करके 5 रुपया कमाई नहीं करेगा, तो इसलिए हम लोग को भिक्षु बनना है। हमारे पास जितना है तो दे, और दूसरा केवल पैसा की बात नहीं उनका बुला करके लाओ, उसमें ये नहीं सोचना हमको 1.5 लाख रुपया कमाई करना है, हमको ये सोचना है एक व्यक्ति का सुकृति बनाने के लिए, उनके चाहे शारीरिक रूप से हो उनका चाहे मानसिक रूप से हो, धिया अर्थी बाचा वाणी के रूप में। अगर एक बार भी इधर आ गया ना, अगर बोल दिया हरे कृष्ण, एक बार बोलते जा रहे सब लोग, बोल दिया ना मंगल है। हमारे महाराज जी नाव में जा रहे थे, एक मुस्लिम था, वो सब भक्त लोग को बोले कि जाओ उनको बोलो कि हरे कृष्ण बोले, वो मुस्लिम को जाकर बोले बोलो हरे कृष्ण, वो मुस्लिम हम नहीं बोलते, हम ये सब नहीं बोलते, हम ये कुछ नहीं बोलते। तो बोले महाराज जी मुस्लिम नहीं बोलता है,
महाराज बोले जाओ उनको पूछो कि तुम क्या नहीं बोलते हो तो बोले तुम क्या नहीं बोलते हो। वो मुस्लिम तो बोला कि तुम्हारे तो हरे कृष्णा में नहीं बोलते जगन्नाथ मंदिर वाला फैक्ट्री क्यों खोलते इधर से, हम तो जाके कहा फैक्ट्री खोलते पूरा चार बजे ये लोग इनकम किया जनार्दन ने क्यों छोड़ के आते और किसने ग्रेजुएशन किया वो क्यों छोड़ के आते, किसने फार्मासिटी इंजीनियर बना था सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना था वो क्यों छोड़ के आते, उधर तो लाखों रुपया मिलता था। तो आपके द्वारा किसके द्वार पे जाके 100 रुपया के लिए हाथ फैलाने के लिए नहीं है, हमारे ये उद्देश्य है यहाँ अगर कोई भी एक भक्त को बुला करके लाओ एक बार कृष्ण नाम ले ले एक पैसा मेहनत से पैसा कमाया हुआ पैसा को अपना घर संसार में व्यतीत करते भगवान के सेवा के लिए दे दे उनके दर उनका सुकृति बन जाए। हम उसके लिए करते हैं उसके लिए हम धनी से भिक्षु बने हैं न कि हम धनी बनने के लिए भिक्षु बने। समझ में आ रहा ना, एक महाराज एक बार एक घर में गए थे माता जी कपड़ा में पोछा लगा रहे और उनको बोल दिया, क्या बोला कुछ काम धंधा नहीं है इतना यंग सुस्त सुंदर मजबूत लड़के बन करके जवान बन करके भिक्ष मांग रहे हो जाकर काम नहीं कर पाते हो जाओ यहाँ से लगा दिया। बोले माँ हरे कृष्ण। बोल क्या आ गए दूसरा दिन फिर चले महाराज जी, दूसरा दिन जब गए तो उन्होंने तो वही बात बताया थे कि देखो फिर आ गया लज्जा नहीं आता इतना बार बोलने के बाद फिर आ गए मेहनत करो दिन में कितने लोग मेहनत करे 500-1000 रुपया कमाई करते तुमको खाने के लिए और कहा नहीं मिलता इधर आ जाते हो। फिर बोला तो बाबा जी महाराज लेकिन मार जी बोले अरे कृष्ण चले। तीसरा दिन जब गए हाँ भगवान की सेवा के लिए कुछ मिलेगा तो उन्होंने क्या बोला अच्छा सुना था क्या कथा उन्होंने उसको ही फेंक दिया उनको महाराज ने लिया बड़ी अच्छी तरह बोले जो कुछ मिल गया हमारे लिए भगवान के लिए सारी वस्तु अनुकूल है सब वस्तु कृष्ण की सेवा में लग सकता है। ये मल मूत्र के द्वारा सड़ा हुआ रक्त मांस हड्डी के द्वारा बना हुआ अगर शरीर लग सकता है अगर गाय की माता की चमड़ा लग सकता है भगवान की सेवा में ये कपड़ा लग नहीं सकता। इसलिए ये सज्जन समझो एक हमारे लिए हमारे ना कलि युग में हम लोग किसको मांग नहीं सकते हमारा बड़ा अभिमान हम दे सकते मांग नहीं सकते हमारा अभिमान इसलिए भगवान कहते मैं बड़ा होने पर मांगता देता नहीं देता हूँ अलग खेल से मांगता मांगता भगवान मांगते है ना क्या मांगते है पत्रम पुष्पम एक लोग तो हमारे पास है और कुछ देंगे नहीं अगर कुछ भगवान बोल देंगे तुम सब कुछ दे दो हम देंगे नहीं इसलिए भगवान कहते सब कुछ सर्वधर्म सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरण व्रज बाद में बोलेंगे बीच में बोलते देखो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति हम देते नहीं देंगे नहीं देते नहीं देने के लिए हम तैयार है मैं थोड़ी कंगाल बन गया जाके मांगूंगा भगवान इतना कोई नहीं देना चाहता कोई मांगना नहीं चाहते दूसरे के द्वार पर जाकर के लेकिन क्या करना चाहते देना चाहते लेकिन हम लोग को ये अभिमान छोड़ते भगवान इसलिए कहते दो और हम लोग जो भक्त लोग है हम लोग याद रखे भगवान के लिए जाकर बोले दो मांगना खराब हो सकता है अपने लिए लेकिन मांगना भगवान के लिए खराब नहीं होता क्या होता है अच्छा होती है। वो हमारे ठाकुर जी ऐसा है भाई कोई अगर रण छोड़ के चला जाए भगवान जो कुछ करते हैं वो लीला बन जाती है रण छोड़ के युद्ध छोड़ के कोई चला जाता है पीठ दिखा करके उनको क्या बोला जाएगा उनका जश कीर्ति होगा लेकिन भगवान का कीर्ति बन गया रण छोड़ भगवान बन गए। चोरी करते उनका जश बनेगा भगवान चोरी किया उल्टा माखन चोरों का नाम बन गया। माता जी ने बंधन में बांध दिए उनको स्वीकार करना इतना समर्थवान भगवान माँ को बंधन को स्वीकार करना चाहते तो खुद ही खोल देते खोल नहीं पाए बाबा ने खोला वो
अपजस बन गया भगवान की, क्या बना उल्टा? हाँ दामोदर जस बन गया। इसलिए समझ लो भगवान के लिए किसके द्वार पे जाकर के मांगो, बोलो मैं इतना बड़े घर के हूँ उनके द्वार पे क्यों जाऊँ बुलाने के लिए? नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, किसके लिए जा रहे हो? भगवान के लिए बुलाओ। अगर वो 2 रुपया भी दे देगा, आदमी सिगरेट पी करके 100 रुपया खर्च करता है, अगर तुम उनसे 100 रुपया भी ला करके भगवान की सेवा में लगा दिया, उनका शरीर को निवेदन करके बुलाया, एक बार तो आ जाओ जगन्नाथ जी को दर्शन करो, कृष्ण की जन्माष्टमी अभिषेक का दर्शन कर लो, एक बार आ गया समझ लो लंबा लाइन में उनका कड़न में व्यक्ति आ गया, और हिल नहीं सकते। कभी कड़न में गए हो जगन्नाथ जी का दर्शन में? लंबा लाइन लगा हुआ है, अगर अंदर घुस गया और बाहर निकल नहीं सकते, तब तुम उनसे रुपया हो, उनका शरीर को, उनका मन को, उनका वाणी को एक बार ले आया, समझ लो उनका कड़न में खड़ा कर दिया। क्यों खड़े हो गए? आज नहीं तो काल भगवान के पास जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है? इसलिए जन्माष्टमी महोत्सव हम लोग रोज बना रहे। कृष्ण का जन्म हुए थे कितने हजार साल से पहले, अभी क्यों बना रहे हम? ना प्रभु आप जन्म होने के समय सब लोग थे, हम तो नहीं थे ना, इसलिए हम मना रहे। अरे भाई क्यों मना रहे? उसी समय सब लोग थे, हम तो बता रहे, लेकिन आज की तिथि में हम बनाओगे आज, ठीक है? इसलिए नंद बाबा जसोदा बाबा, और पहले तो इवन नंद बाबा जसोदा में आपको भी पता नहीं था कृष्ण आएंगे, लेकिन हमारा इतना सौभाग्य कि पहले से आपको पता है, पहले से उसकी तिथि में हमको पता है तैयारी कर लो कृष्ण आएंगे, तो इसलिए नंद बाबा जसोदा बाबा से भी ज्यादा उत्साह लग रहा थे। ऐसा नहीं कि जैसा अजगर जैसा पड़ा रहा होगा कुछ प्रभु जी माता जी आपको पता है जन्माष्टमी? हाँ ऐसा है हमने सुना है। अरे बलराम प्रभु ने सुना है कथन लगे हुए नहीं आप लोग एक माला में एक मोती बनना सीखो। मोती बनना आसान है, धागा तो गुरुदेव है, धागा तो भगवान है, और हम अगर एक माला उसमें बन जाए, एक फूल बन जाए, और ठाकुर जी के पास ही चला जाएंगे, अगर आधा से भी गिर भी जाएंगे तो ठाकुर जी का चरण में गिरेंगे, ठीक है? इसलिए फूल फूल बनना है। फूल बनने के लिए क्या करना है? आज आके जनार्दन को निंदा अपमान अभिमान लांछना गंजना को छोड़ करके भगवान की सेवा करने के लिए जागृत प्रारंभ करना है, तब भगवान की सेवा कर सकते, ठीक है? वंचा कृपा सिंधु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव जी की जोर हो गया मरने लगा दे तो, ठीक है? ये वचन तो दिल में रखना है, ठीक है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा।
गौर प्रमाण ले जय जय श्री श्री गुरु गौरव राधा विनोद बिहार जी जगन्नाथ गुरुदेव स्वदर्श दर्शन गिरिराज महाराज की जय नित्यलला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज की पूज्य पाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज की जय गुरु परंपरा की जय गौर मंडल क्षेत्र मंडल ब्रज मंडल धाम की जय हरिनाम संकीर्तन की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय समागत भक्त वृंद की जय पिताई गौर प्रमाण ले हरि बोल जय प्रभु जी ने बताया ना प्रचार करने आज कुछ माता सबसे ज्यादा थे आज एकादशी है ना ऐसे नहीं रोज आना ठीक है ना प्रभु जी अभी आपको रोज रोज कथा सुनाएंगे रोज 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 बड़े सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे कथा सुनाएंगे इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे हर व्यक्ति दूसरे के दस दस भक्तों को लेकर जाए कितने कितने भक्तों दस 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 हम लोग विकसित करना है दस दस नहीं हो तब से एक एक लग कर लेकर के हम ठीक है ना बड़े से बड़े से सबको लेकर तो कामदार एकादशी एक दिन सारे खाना बंद कर दूसरे कल आना कल सब सब